जनता के साथ जनता के लिए जो पार्लियामेंट में बात करते हैं तो उनको बर्खास्त किया गया पार्लियामेंट से, अब स्टे लिए वो बात और है, डिस्क्वालीफाई कर दिया। लेकिन वो डरे नहीं, वो बोले कि मैं डरने वाला आदमी नहीं, मैं ना डरूंगा और किसी को डराऊंगा नहीं, मैं सिर्फ काम करने वाला। ऐसे नेता हमारे पास है और बाकी के लोग कुछ काम किए बिना हवा में आए, सब लोग हमने बना बना हुआ दिया उनको, वो लेकर बैठे हैं और वो समझते हैं कि सब कुछ उन्होंने किया। तो इसलिए भाइयों, और ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता हूं, ये 12 जो डिक्लेरेशन है फिर एक बार मैं पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि उन्होंने पढ़ के दिया है और इसका इनॉग्रेशन के लिए मुझे बोला था, तो ये 12 पॉइंट आपको करके देंगे। और इसके अलावा जो किसानों के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे, फिर वो दूसरे हमारे जो मीटिंग होगी उसमें सबको बताएं। ये तो यहाँ पर SC ST का डिक्लेरेशन था तो हमने ये काम किया, तो इतना बड़ा काम हम आपके सामने करके दिखाएंगे। और मैं और एक बधाई भी देता हूँ हमारे नरसिम्हा जी को, तो वो वर्किंग कमेटी के मेंबर बने और सभी लोग एक साथ है यहाँ पर, बहुत से दूसरे लोग भी हैं, सभी वंशी भी बने, राजू भी बने, सब लोगों को लेके गए हम, बाकी अभी आने वाले भी हैं, इतना ही नहीं और लिस्ट आने वाला है, उसमें भी एक दो कहीं एडजस्ट होने वाले हैं, वो उस वक्त ही मालूम होता है, अब नहीं बोलते हम आपको। अरे तुम ऐसा ही बोलते, पहले एक आदमी थे तुम वर्किंग कमेटी में, मैं 6 दिया हूँ इस बार, 6 दिए। अरे तुमको मिला नहीं मिला, नहीं तुम्हारे को मिला नहीं मिला बात, लेकिन एक ही आदमी वर्किंग कमेटी में था, मैं आने के बाद 6 बैकवर्ड क्लास को दिया, 6 शेड्यूल कास्ट को दिया और 4 ST को दिया। ये कब हुआ था? 66% महिला। इसीलिए जरा धैर्य रखो भाई, संभालो, जब दूसरों को तो मिल रहा है तो शांति रखो, जब तुमको भी आएगा एक वक्त तो। लेकिन ये तो किया, इसलिए धन्यवाद बोलो कांग्रेस का, मैडम का, राहुल का। तो इसीलिए ये जो काम आज हो रहे हैं सबके लिए हो रहे हैं, इसलिए मैं ज्यादा आपका वक्त न लेते हुए मैं यही कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी मजबूत बन रही है हर जगह। मैं खुद जा रहा हूं, मैं राजस्थान गया था, छत्तीसगढ़ गया था, मध्य प्रदेश गया था, आज तेलंगाना आया हूं, फिर नेक्स्ट हर जगह माहौल देख रहा हूं, सभी लोग कांग्रेस 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 बोल रहे हैं। इसीलिए हमको आने वाले असेंबली इलेक्शन में KCR को हराना है और मोदी को दिल्ली के इलेक्शन में हराना है, तो ये सब काम करना आपका है, आप ये करेंगे ना? अरे हाथ उठाओ भाई जो करेंगे। अरे आखिरी में मैं लास्ट टाइम रेवंत रेड्डी कहीं अपने इसमें रखे थे, हाँ वो गजल KCR के कान सुन, देखो KCR के कान सुन सी में हम गए थे, वहां बहुत लोग थे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वहां पर हमने एक चमत्कार दिखाया लोगों को, वैसा ही चमत्कार आपको करना है। आज सबके हाथ में मोबाइल है ना, ले ओ, हाथ में लो, देखो उड़ो नीरू को, सब उठाओ और लाइट लगाओ, निंद पड़ो
ಬಿಡ್ತಾನೆ ಹೋಗೋಣ, ಜಲಿಸ್ತಾನೆ ಹೋಗೋಣ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಜೈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಆಪ್ ಸಬ್ಕೋ ಧನ್ಯವಾದ ಶಾಂತಿ ಸುನ್ನೆ ಕೇಳಿಯೇ ಫಿರ್ ಹಮ್ ಮಿಲೆಂಗೇ. ಚುನಾವ್ ಹೈ, ಚುನಾವ್ ಮೇ ಆತೆ ರಹೆಂಗೇ, ಫಿರ್ ಮಿಲ್ತೇ.